नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और पर्सनल रीडिंग बुकिंग कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखते हैं कि काली माँ का आप लिए क्या संदेश है। काली माँ का क्या संदेश है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, काली माँ का क्या संदेश है यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, काली माँ का संदेश। काली माँ का संदेश यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, काली माँ का संदेश यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। काली माँ का संदेश यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, काली माँ का संदेश यूट्यूब व्यूअर्स के लिए। देखते हैं, पहला कार्ड आया है ग्रोथ का, दूसरा है सरेंडर का, तीसरा है ट्रस्ट का। ठीक है, हम देखते हैं टैरो कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। तो देखो, जहाँ भी इतने बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत ही संघर्ष और मतलब कष्ट भरे दिन देखे होंगे, तब जाके आप इस एनर्जी में पहुँचे हैं ना। ओफो, एम्परर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो भाई यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत आई है, तो काली माँ का क्या मैसेज है यहाँ पे, हम तो पहले ये देखना चाहते हैं। तो पहली बात तो देखिए, यहाँ जो सेंटर ऑफ रीडिंग है, यहाँ पे 10 और 10 आया है। तो इसका मतलब 10 और 10 मतलब आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही ये सिंक्रोनिसिटी हो गई है ना, आप लोग ऑलरेडी अलाइनमेंट में हैं, यूनिवर्स की अलाइनमेंट में है। और सरेंडर का कार्ड ऊपर आया है, तो सरेंडर का तो मतलब यही होता है कि पूरा का पूरा जो भी कंट्रोल होता है, मतलब पूरा का पूरा अपने जीवन का भार सब ईश्वर को दे देना है ना। तो काली माँ ये बोलना, आपकी रीडिंग से ही ये पता चल रहा है कि आपने जो अपना सब कुछ काली माँ पर छोड़ दिया था, और उस सरेंडर की वजह से, उस जो आपने सरेंडर किया, मतलब भगवान पर विश्वास करके अपने सारे जीवन की जिम्मेदारियाँ काली माँ को दी, तो उसी सरेंडर की वजह से आपके जीवन में एक बैलेंस्ड आया, सिंक्रोनिसिटी आई है। मतलब दोनों पार्ट आपके बैलेंस हो गए, दोनों जगह 10-10 है। और 10 तो ऑलरेडी फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ना, 10 मतलब कि कंप्लीशन का कार्ड होता है, मतलब पूरा हो गया, जब कुछ भी बचा नहीं रहता है उसमें। और 10 और 10 को अगर हम जोड़ें तो ये 11 तो बन ही रहा है, 1+1=11 है ना, इसको हम आगे नहीं जोड़ेंगे। तो मतलब 11 तो फिर भी उसी का हो गया, पोलैरिटी का कार्ड, मतलब कि जहाँ लाइट और डार्क मिल जाते हैं, अंधकार और उजाला मिल जाता है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिविटी बराबर हो जाती है। तो आप लोगों ने सरेंडर करके ये वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में और अपने और पास एनर्जेटिक फील्ड में। तो अब हम देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ है इसमें। ग्रोथ आया है, मतलब कि आपने ये किया है कि आपने अपने जो कॉन्शियस लेवल था उसको ग्रोथ किया है। काली माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपने अपने कॉन्शियस लेवल को ग्रोथ किया है। और किंग ऑफ कप्स के साथ एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, मतलब आपने फुल फोकस किया है, जो पहले आपका जो मन भटकता था। काली माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपने जो भी आपका मन भटकता था, आपने उस सबको एक ही जगह लगाकर कंसंट्रेशन किया है। कंसंट्रेशन मतलब आपने ध्यान किया है। और यहाँ देखिए, इस कार्ड में सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो किंग है, ये भी ध्यान मुद्रा में ही बैठे हुए हैं, है ना। तो आपने क्या किया, और ये क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं, तो देखिए होता क्या है, जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में क्या होता है, हमारी जितनी भी अंदर की भावनाएं होती हैं,
हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो क्यों चलते हैं, हमारी भावनाओं के उथल पुथल की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से, है ना। तो आपने क्या किया है, वो सारी जो भावनाएं थी आपकी उन सबको आपने स्थिर किया और एक जगह ध्यान लगा के एक जगह कंसंट्रेट किया है आपने, है ना। जैसे मान लीजिए इतनी सारी भावनाएं थी, आपने एक जगह उसको कंसंट्रेट किया और अपनी जो भी भावनाएं थी, इमोशंस को कंट्रोल किया और आप क्या बन गए, किंग ऑफ कप्स बन गए आप लोग, जो भी इस एनर्जी में है ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो काली माँ कह रही हैं डेफिनेटली आपकी जो भावनाएं हैं उसमें ग्रोथ हुई है ना। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे रख दूँ तो आपको और समझ आएगा अच्छे से कि भाई आपने कंसंट्रेशन करके ये वाली एनर्जी अपने लिए बनाई है, आप इस एनर्जी में आ गए हैं। तो काली माँ बहुत खुश हैं इस एनर्जी में आपको देखकर, और इस वक्त काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं आपका जो ऑरा है वो काफ़ी चमक रहा है और आपके जो ऑरा है वो काफ़ी आपके हार्ट सेंटर्ड है, मतलब आप दिल से काफ़ी, आपका दिल प्योर है, ग्रोथ की वजह से आपका दिल प्योर हुआ है और आपका जो कॉन्शियस लेवल है, सोचने समझने की क्षमता है, वो भी आपकी बड़ी है। तो काली माँ इसके लिए बहुत खुश हैं ये वाली एनर्जी के लिए कि आपने इतनी मेहनत करके इस एनर्जी में खुद को लाया है ना। और उसके बाद ये जो सरेंडर आया है, तो काली माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपने जो सारा कंट्रोल छोड़ दिया था, सब कुछ अपना भार जिम्मेदारी कंट्रोल काली माँ को दे दी थी, तो उससे वो बहुत खुश है कि भगवान पर सारा छोड़ देना मतलब भगवान पर विश्वास करना है। तो काली माँ खुश हैं कि आपने उन पर इतना विश्वास किया उनकी एनर्जी में, क्योंकि काली माँ कहना चाहती हैं आज के ज़माने में लोग उनकी पूजा तो बहुत करते हैं पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है, लोग फेथ नहीं रख पाते हैं, विश्वास नहीं रख पाते हैं ना। तो आपने जो काली माँ को फेथ दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, उससे काली माँ बहुत प्रसन्न है और उसी से आपको यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून मिल रहा है और टेन ऑफ कप्स मिल रहे हैं, मतलब उसी से काली माँ आपका जो भाग्य है वो बिल्कुल चमका देंगी, पलट देंगी और आपको बिल्कुल सातवें आसमान पर ले जाया जाएगा, है ना। सातवें आसमान पर ले जाएंगे और सातवें आसमान में देखिए आपका लाइट और डार्क दोनों बैलेंस्ड रहेगा। देखिए ये डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी और वाइट एनर्जी, इसके दोनों बैलेंस्ड है ना। ऐसे ही आपके अंदर बैलेंस आ रहा है और आपको जो है सारा फुलफिलमेंट मिलेगा, मतलब जिस चीज़ के लिए आप अभी तक काली माँ से प्रार्थना करते थे, काली माँ के लिए बोलते थे काली माँ मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, वो मनोकामना पूरी कर दो, तो जितनी भी आपकी मनोकामनाएं थी, जो भी आपने झोली फैलाकर उनसे मांगा है, वो सब काली माँ आपका फुलफिल करने वाली हैं, सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं और आपको ये हैप्पी एनर्जी मिलेगी, मतलब आपको दोस्त वापस हैप्पी एनर्जी में मिल जाएंगी, आपकी फैमिली हैप्पी एनर्जी में होगी, आपके बच्चे हैप्पी एनर्जी में होंगे, है ना। आपके अराउंड बहुत एकदम कलरफुल एनर्जी हो जाएगी, है ना, सारी डार्क एनर्जी हट के कलरफुल एनर्जी हो जाएगी, मतलब सारी खुशियाँ होंगी, रंग बिरंगा सा आपका जीवन हो जाएगा। और ये सब क्यों होगा, क्योंकि आपने काली माँ पर विश्वास करके उनके नाम से सरेंडर किया था। तो ये आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि ये लोग, ये जो सरेंडर है ना, ये बोलना आसान होता है पर बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं। फिर आता है यह ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब ये है कि काली माँ आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि आपने जो भी किया वो अच्छा तो किया पर आपको अपने ऊपर भी विश्वास करने की ज़रूरत है। मतलब काली माँ ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो भगवान है वो आपसे बात करता है आपके अंतर मन की आवाज़ से, है ना, जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उससे। तो काली माँ आपसे कह रही हैं कि आपने जो अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनी है उसके लिए भी उसी ने आपको इतना गाइड किया है और आपको हमेशा उस अंतर मन की आवाज़ को धन्यवाद करते रहना चाहिए और उस पर हमेशा विश्वास बना कर रखना है ना, क्योंकि वो ज़रूर, वो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है ना, वो आपको सही रास्ते पर गाइड करेंगी। एंड डेफिनेटली आप आगे जाके एम्परर वाली एनर्जी में ही आने वाली हैं। और अगर एम्परर एनर्जी क्या होती है, एम्परर मतलब कि जो एक भाई वो होता है, क्या बोलते हैं, बादशाह होता है उसका, मतलब बादशाह मतलब कि जिसके पास सारी पावर है, सारी कंट्रोल है, वो सबसे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, उससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है ना, क्योंकि वो सारे किंग्स का भी बादशाह होता है। और तो आप
ऐसी ही एनर्जी में आने वाले हैं कि जब सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि सब मैंने किया है, मेरे ही कंट्रोल में चल रहे हैं ना। देखा है ना, जो एम्परर होता है वो कितना ईगो में रहता है और उसको पता होता है कि ये सब मेरा ही कर्मों का फल है और मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसे किसी बात का डर नहीं होता है ना। तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी में ही पहुँचने वाले हैं। और आपने जो यहाँ पे वेट किया था, जो आपने इंतज़ार किया है, उस इंतज़ार का फल है ये एम्परर एनर्जी। आपने इंतज़ार आप क्यों कर पाए, क्योंकि आपने काली माँ पर विश्वास किया। आपने जब यहाँ सरेंडर किया, काली माँ पे सब छोड़ दिया, फिर आपने विश्वास किया, आपने संयम रखा, आपने विश्वास किया काली माँ आपको ज़रूर आपके कर्मों का फल देंगी, आपके इंतज़ार का अंत होगा और वो अंत होने वाला है, आपको एम्परर एनर्जी मिलने वाली है। या तो आप खुद ही एम्परर बन जाएंगे या बन रहे हैं या हैं, या फिर हो सकता है आपकी जो भी लाइफ है उसमें अगर कोई एम्परर एनर्जी है, अगर कोई ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो उससे आपको ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। ये मैस्कुलाइन एनर्जी कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके काउंटर पार्ट, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड, कोई भी, मतलब ये मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे मार्स का भी बना है कार्ड, तो डेफिनेटली ये कुछ मार्स से रिलेटेड होगा, है ना। तो मार्स भी मैस्कुलाइन एनर्जी का ही एक साइन होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सब जो भी हुआ है, ये आपके जो काली माँ आपको ये सारी ब्लेसिंग दे रही है, ये क्यों दे रही है, क्योंकि आपने उनको सरेंडर किया और आपने उन पर विश्वास किया और अपनी ग्रोथ करी। तो काली माँ कहना चाहती हैं कि काली माँ हर उस इंसान को मदद करती हैं जो इंसान क्या करता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, काली माँ पर छोड़ देता है, काली माँ पर विश्वास करता है और अपनी ग्रोथ करता रहता है, हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, हमेशा अपने आप को सीखता रहता है। ऐसा इंसान ज़रूर काली माँ को अच्छा लगता है और काली माँ उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं और काली माँ उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और ज़रूर उसको अच्छी एनर्जी में, टॉप मोस्ट एनर्जी में पहुँचा कर ही रहती हैं, है ना। तो ये काली माँ का आपके लिए मैसेज था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए मेरी वीडियो पर, और मैं आपकी एनर्जीज रीड कर पाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये रीडिंग मैच करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करें। और सारे डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फ्री रीडिंग्स नहीं दी जाती है, तो प्लीज़ आप फ्री रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ना करें। रिस्पेक्ट बना के रखिए अपनी एनर्जी की और मेरी एनर्जी की, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।